थ्रिलर और मिस्ट्री मूवी की सबसे खास बात पता है क्या होती है कि हमें पता ही ना चले, जो व्यूअर्स होते हैं उन्हें पता ही ना चले कि किलर कौन है। जब तक डायरेक्टर ना चाहे तब तक व्यूअर्स को पता ही ना चले कि कौन आखिरकार कातिल है। और कुछ ऐसा ही इस मूवी में करने की कोशिश की गई है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रात अकेली है मूवी के बारे में। अब मुझे नहीं पता ये रात अकेली क्यों है। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और मैं एक बात कहूंगा कि नेटफ्लिक्स इंडिया पर अब तक जितना भी कचरा है उससे कंपेयर करते हो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, यानी देखने लायक है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हनी तिरहान ने, शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन सही की होगी। इसके अंदर कास्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, निशान दहिया, शिवानी रघुवंशी और बाकी अन्य कलाकार। अब इसकी कहानी पर जाने से पहले कुछ एक जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा इसके अंदर मुझे पसंद आई परफॉर्मेंस, वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की। अब ये नहीं है कि और बाकी कलाकारों ने अपनी एक्टिंग या उसमें कुछ गड़बड़ की हो, नहीं, सबने अपने किरदार को बहुत ईमानदारी से निभाया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपका फोकस जिनके ऊपर ज़्यादा है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर और राधिका आप्टे जी की एक्टिंग के ऊपर। अब इसकी कहानी की बात कर लें, देखो इसकी कहानी में है मिस्ट्री, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जो ऊपरी तौर पे जितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है उतना ही बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी का इंटरेस्ट खराब नहीं करूंगा और स्पॉयलर्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। तो एक रघुवीर सिंह एक पॉलिटिशियन है, वो बूढ़ा है और उसकी डेथ हो जाती है जिस दिन उसकी शादी हो रही होती है, मतलब इसकी दूसरी शादी हो रही होती है, मतलब कि जिस दिन इसकी शादी है दूसरी शादी कंप्लीट होने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जटिल यादव जिसे प्ले किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, तो वो आते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उस फैमिली में सबके शब जो है वो शक के दायरे में, और हमें देखकर लगता भी है कि यार हाँ इस इंसान ने किया होगा। इवन हर एक पर्सन आपकी नज़रों में शक के दायरे में ही रहता है, चाहे जिसकी जो रघुवीर सिंह की जो नई वाइफ है वो भले ही उसमें क्यों ना हो, या फिर रघुवीर सिंह के जो दामाद है या उनकी बेटी या उनकी बहन, हर एक पर्सन या उनका भतीजा, हर एक पर्सन जो है मैं ये कहूँगा कि वो शक के दायरे में रहता है। और इसमें एक पॉलिटिशियन भी है मुन्ना यादव ऐसा कुछ करके उसका नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ, वो भी उस शक के दायरे में रहता है। यानी हर एक पर्सन जो है वो आपकी नज़रों में शक के दायरे में जरूर रहते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत से राज का पता चलता है, बहुत से राज मतलब कि जो रघुवीर सिंह की जो पहली वाली वाइफ थी उसका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, क्यों कराया, ये सब चीज़ें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पता चलती हैं, क्योंकि केस के साथ ही सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। और अब ये मैं तो बताने वाला हूँ नहीं क्योंकि यार स्पॉइलर की बात आ जाती है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे मैंने बहुत सारी सस्पेंस और थ्रिलर मूवी देख रखी थी, और मैंने जब ये मूवी देख रहा था तो मेरी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा थी कि हाँ कि इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा सरप्राइज रखा जाए, कुछ और ज़्यादा सस्पेंस रखा जाए। क्या ऐसा तो नहीं लिखा गया इसके अंदर। और जब हमें लास्ट में मर्डर का पता चलता है, किलर का पता चलता है, तो इतनी कोई हैरानी हमें नहीं होती इसके अंदर। और कुछ एक नेगेटिव चीज़ें जैसे कि मूवी काफ़ी ज़्यादा स्लो लगी मुझे, और इसके अंदर जटिल यादव और उनकी माँ के जो ये आपस में जो कन्वर्सेशन दिखाई गई है, जब उनकी माँ अपने बेटे के लिए फ़ोटो लेके, मतलब अपने बेटे की शादी के लिए उनकी फ़ोटो लेके अपने साथ घूम रही होती हैं, तो ये कॉमेडी की चीज़ें भी इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी। और मुझे सच में यार ये देख के काफ़ी तसल्ली हुई। और एक और जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो इसके अंदर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के जो कलर को लेके यहाँ पर जो बात की गई थी, और इसके अंदर जो फेयर एंड लवली की एक तरीके से यूज़ किया जा रहा था, तो ये बताने के लिए कि भाई ये जो फेयर एंड लवली अभी फ़िलहाल उन्होंने अपना नाम ग्लो एंड लवली किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद उन्होंने अपनी इस क्रीम का नाम चेंज करने की बात कही थी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कर लिया या नहीं कर लिया, बट इस मूवी के अंदर इस क्रीम का यूज़ दिखाना, फिर ये बताना कि यार जैसे इस क्रीम ने पूरे वर्ल्ड में जैसे ये बता रखा था कि जो गोरा है वो जो है वो सबसे काबिल है और वही जो है वो इंसान सक्सेस हो सकता है और बाकी कोई नहीं हो सकता, इस क्रीम ने सबके मन में ऐसी बात बिठा रखी थी। और इवन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है। तो लास्ट में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जो क्या करते हैं, ये क्रीम उठाते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपके काम से, आप कितने डेडिकेटेड हैं या फिर आपके कर्म क्या है, उन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो बहुत छोटा सा सीन है इसके अंदर दिखाया जाता है, थोड़े थोड़े कुछ एक मिनट के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि हाँ लोगों को एक
तरीके से इस क्रीम के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि कुछ नहीं होता, इसको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, लोगों को गुमराह करने होता है, तो ये सब चीज़ें ऐड करते रहते हैं। तो जब डस्टबिन में ये क्रीम जाती है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बट ये एक सीन छोटा सा है, बट इसके अंदर बात बहुत ज़्यादा गहरी है, समझ सको तो समझ लेना। और अब बात करें कि मूवी का ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है, तो यार देखो यार मूवी की कहानी ठीक है, एक बार तो आप इसको जरूर देख सकते हो, बार बार देखने, क्योंकि यार सस्पेंस वाली इतनी नहीं है कि आप इसको बार बार देखना चाहोगे, और इतना कोई इसके अंदर डार्क फिलोसफी नहीं है कि आपको एक बार में ये समझना है, चीज़ें एक बार में समझ आ जाएंगी। और फिर से वही चीज़, अगर आप थोड़ा सा और एक्टिव होके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर के नज़दीक पहुंच पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट पता कर पाएंगे, थोड़ा बहुत तो क्लियर के नज़दीक पहुंच पाएंगे। खैर मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 star। और अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो रिव्यू आपके सामने है, अपनी खोपड़ी खुद यूज़ करिए और खुद डिसाइड करिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मैंने अपने व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिए। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।